one can really be happy with calling themselves the super heavyweight world champion until they defeat Levon Saganishvili. So, Levon, last time you hurt me, but I haven't stopped. I'm at a different level now. If you're 3% worse and I'm 3% better, I'm going to destroy you. And who knows? Who knows? Even if you're better, I still might destroy you. I'll see you very soon, Levon. I hope you're training. What is up YouTube, welcome back to KSF Academy, आपके अपने आम रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। यहाँ पे हम आपको आम रेसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं, तो मेक श्योर आप इसे अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैंने YouTube पे और कहीं नहीं देखा है। 9 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही बड़ा मैच हुआ और डेवॉन लैरेट ने अपना कैटेगरी वापस से रिटेन किया। वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे थे, जो टॉप पोजीशन पे थे, उसको उन्होंने हैंडल किया। जॉर्जी सेदकॉफ के अगेंस्ट में जो उनका मैच हुआ था, तो डेवॉन लैरेट 6-0 से जीते थे। और अब जो कि डेवॉन लैरेट अपने सारे कंटेंडर्स को हरा चुके हैं, जैसे कि उन्होंने आर्मिस गैस्परिनी को हराया, उसके बाद में डेनिस सिप्लेनकॉफ को हराया, एंड नाउ ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। और उन्होंने कहा था कि अगर विटाली लैरेटिन जीतते हैं आर्मिस से, तो वो उनके अगेंस्ट में जाएंगे, बट विटाली नहीं जीते, तो अब डेवॉन का प्राइम ओपोनेंट है लेवान सैग्निशिवली। उनके अलावा वो किसी और को नहीं सोच रहे और किसी का सुपर मैच लेने वाले नहीं है। हमने आफ्टर मैच कई सारे इंटरव्यूज उनके कई सारी बातें सुनी, एंड पर्टिकुलरली नाउ वी नो कि वो अगला 3-4 महीना जो भी है उसमें वो प्रॉपर लेवान के अगेंस्ट के लिए तैयारी करने वाले हैं। हमने ये भी देखा कि उन्होंने ये कहा कि लेवान अगर 3% कम है या 3% वीक है, तो मैं 3% ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और अगर मुझसे जीतना है तो उनको और स्ट्रांग होके आना पड़ेगा। अगर लेवान और स्ट्रांग होकर आए भी तो उनको मैं फिर भी टक्कर दूंगा और हरा दूंगा, क्योंकि स्ट्रांग होके आओ, वीक होके स्ट्रांग होके आओ, या कैसे भी आप अपना प्रैक्टिस करके आओ, मेरे से नहीं जीतने वाले हो, बट स्टिल प्रैक्टिस करो, आई होप यू आर ट्रेनिंग वेल, ऐसा उन्होंने अपने एंड स्टेटमेंट में कहा। एंड जो भी मैच है, मैं डेवॉन के इतने सारे मैचेस थे, डेनिस सिप्लेनकॉफ के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, एंड अब ये वाला जो मैच होने वाला है इसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है मेरे लिए तो। और उसके बाद riding that wave, man. Riding that wave. Yeah. Hubris. It worked out great. It was close. It was close. That first round, I let out a bit. You were going inside a little bit too much rope. Yeah. A little bit too much rope almost. But, you know, I felt that stop, and I'm like, okay, all right, we got ourselves a stop. And if he can start to press, that's going to be a different arm wrestler. Yes. You know, yeah. I'd like to see him really look at, nobody's got a topper like him. I don't think. Like maybe LeVon. Maybe. एंड ऑफ द मैच में उन्होंने जॉर्ज सेदकॉफ के मैच से रिलेटेड भी उन्होंने कहा कि लाइक यू आर, इट फील्स लाइक यू आर ट्राइंग टू होल्ड 100 pounds ऑफ बॉल। मतलब बाद में उन्होंने ये भी कहा कि यू कांट टॉप रोल जॉर्ज सेदकॉफ, लाइक उनका जो हैंड कंट्रोल है वो इतना अच्छा है, अगर प्रेस जॉर्जी और बेटर करेंगे तो एक अमेजिंग आर्म रेसलर मार्केट में आ जाएगा, ऐसा डेवॉन ने कहा था। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि लेवान सैग्निशिवली में भी शायद जॉर्जी का टॉप रोल कर सके, बट और कोई उस कैटेगरी में नहीं है जो उनका हाथ ओपन कर पाए। एंड अगर ये डेवॉन बोल रहे हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई इस पे कोई सवाल नहीं करेगा। सो आज की न्यूज के बारे में इतना ही, हम फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। अगला ईस्ट वर्सेस वेस्ट कंफर्म हो चुका है, एंड जो भी उससे मैचेस हैं उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। आप लोग मेरा वीडियो इतना एंड तक देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। जस्ट ऐसा लिख दो कमेंट में एंड तक, ठीक है, एंड तक लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे शाउट आउट दूंगा अपने वीडियो में प्रॉपरली एक लव के साथ में। सो थैंक यू सो मच, आपने अगर हमारा वीडियो इधर तक देखा है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।